Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 3rd. We will continue our chapter 9. How many times? How many times previous video में हमने practice time है ना rewrite using plus sign वो वाला किया था. अभी हम continue करते हैं वही chapter page number 125. Page number 125 के according मतलब previous video में हमने सीखा था कि कितनी टाइम्स क्या नंबर है वो ध्यान में रखना जरूरी है. कितनी टाइम उसे प्लस किया गया है वो ध्यान में रखना है. उसी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करनी होती है. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्व द फॉलोइंग्स के बेस पे किया है कि उस टाइप के आपके 125 पेज पे है. तो यहाँ पे हमें सेम मेथड करनी है जो आगे हमने की कि कितनी टाइम क्या है. ओके कितनी टाइम कौन सा नंबर है वो प्लस प्लस करना है देन मल्टीप्लाई करके हम उसे आंसर हमारा मिल जाएगा हमें. तो हम स्टार्ट करते हैं. टेबल्स लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं वो आपको एवरी टाइम बताती जाऊंगी और करना ही पड़ेगा. ओके अभी आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप टेबल लर्न कर लो. रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि इतना सारा होमवर्क नहीं है. सारे सब्जेक्ट का अगर आप स्कूल आते हो तो सारे सब्जेक्ट का होमवर्क होता है ना. तो आपको घर जाने के बाद मतलब 7:30 to 12:30 यहाँ पे बैठो, फिर घर जाओ, घर जाने के बाद होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन का होमवर्क. तो पूरा दिन आप उसमें से ऊपर नहीं आते हो, थक भी जाते हो. अभी इस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्कूल आना है ना ट्यूशन जाना है. तो अभी जितना हो सके रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस एंड मैथ्स की प्रैक्टिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेबल्स करना. तो ये तीनों चीज़ें आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए. और कुछ हम अभी इतना ये नहीं है कि एग्ज़ाम देनी है, मार्क्स कितने आएंगे, रैंक आएगा या नहीं आएगा, कितने परसेंटेज आएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम दिया है. सब चीज़ें हमारे छोटे स्टैंडर्ड्स में तो पॉसिबल है ही नहीं. तो उस टाइम में आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है क्या, तो रीडिंग राइटिंग एंड टेबल्स लर्न कर लेने हैं. पॉसिबल है तो 20 तक टेबल्स लर्न कर लेना. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है. रामू बॉट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट. रामू क्या कर रहा है, बॉट का मतलब आप रीड करो ना तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे. जब भी रीडिंग करने बैठो अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उसके नीचे अंडरलाइन या सर्कल करके रखो. जब आपके पेरेंट्स अगर मम्मी को नहीं समझ में आ रहा है आपके फादर ऑफिस से आ जाए तो उनको आप पूछ सकते हो. बट ऐसा नहीं है कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं रीडिंग नहीं कर रहा तो नहीं करना मुझे, ऐसे नहीं बैठ जाना है. ओके जब करोगे तभी प्रैक्टिस होगी एंड तभी आप एक बार रीड करना सीख जाओगे ना तो आपको खुद को भी रीड करना अच्छा लगेगा. तो रामू बॉट 4 बॉट मतलब खरीदना, वो परचेस कर रहा है 4 पैकेट ऑफ बिस्किट. ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट मतलब 4 पैकेट उसने बिस्किट के परचेस किए. एंड ईच का मतलब क्या है, 1. एक 1 पैकेट में 4 बिस्किट्स है. एंड हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय. तो 4 बिस्किट के पैकेट उसने परचेस किए खरीदे एंड एक बिस्किट के पैकेट में 4 बिस्किट्स है तो टोटल कितनी बिस्किट उसके पास है या फिर कितनी बिस्किट उसने खरीदी, बाय मतलब खरीदे. ओके तो यहाँ पे क्या रखना है, जब हमने आगे किया वैसे ही 4 टाइम्स 4 दोनों जगह पर 4 है इसलिए सेम है. 4 times 4 = 4 × 4 बट हम यहाँ पे हम पूरी मेथड करते जाएंगे कि 4 times 4 है तो 4 + 4 + 4 = 4 × 4 = 16. तो कितने आया आंसर हमारा, 16. 4 times 4 = 4 × 4 = 16. तो यहाँ पे हमें लिख देना है 16 बिस्किट. यहाँ पर लास्ट में लिख देना है 16 क्या है, तो बिस्किट है. ओके इस तरह से लास्ट में लिख देना है 4 times 4 = 4 × 4 तो 4
उसमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। आपको आंसर हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी होता है। आंसर क्या आया वो आपने पूरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वर्कशीट में भी ऐसे खींचड़ा कर देते हैं, क्या कहाँ पे लिखा है समझ में ही नहीं आता, आंसर कहाँ है वो समझ में नहीं आता, बीच में पहले से ही आंसर लिख दिया होता है, मैथड बाद में दी है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए मैं एवरी टाइम बोलती हूँ कि लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। वैसे ये छोटा छोटा सा इसलिए मैंने पूरा लंबा नहीं लिखा कि नहीं तो आपको क्या लिखना है, 16 बिस्किट्स बाय बाय रामू बाय 16 बिस्किट्स, इस तरह से प्रॉपर भी लिख सकते हो कि रामू बाय 16 बिस्किट्स। ओके फिर नेक्स्ट है, देयर आर 12 डेस्क इन क्लास रूम। 12 डेस्क मतलब बेंचेस। ओके क्लासरूम में कितनी है 12, देयर आर 12 डेस्क इन क्लासरूम। क्लासरूम में 12 बेंचेस है। ईच डेस्क, ये यहां पे ईच का मतलब क्या है, ईच दैट मींस वन। ईच डेस्क हैज 4 लेग्स, ईच एक डेस्क के 4 लेग्स है। ओके देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क, मतलब टोटल 12 डेस्क है, ईच डेस्क हैज 4 लेग, सो हाउ मेनी लेग्स ऑफ द डेस्क, तो टोटल लेग्स कितने हुए। जैसे प्रीवियस पीरियड में हमने सीखा था कि 5 गॉट है, तो 5 गॉट के लेग्स कितने हैं वो फाइंड करना था ना, कि कितने लेग्स है गॉट के, तो वो सब फाइंड करना था। तो यहाँ पे अभी अलग अलग आ रहा है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्या है 12 टाइम 4 है या 4 टाइम 12, ये समझना, क्या है 12 टाइम 4 है या 4 टाइम 12 है, हमें फाइंड जो करना है क्या फाइंड करना है, लेग्स। तो लेग्स फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 12 टाइम 4, क्या आएगा 12 टाइम 4, यहाँ पे देखना है 12 × 4 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 4, फिर 4 को कितनी टाइम लिखना है 12 टाइम, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, sorry, 4। ओके तो 4 को हमने 12 टाइम 4 है मतलब 12 डेस्क है, तो 4 कितनी बार है 12 टाइम। ओके तो ऐसा नहीं है कि 4 डेस्क है और डेस्क के 12 लेग है, ऐसा नहीं है। ओके यहाँ पे क्वेश्चन वो भी समझना है कि फिर ये आप पूरा गलत कर दोगे, आप क्या कर दोगे 4 × 12, तो 12 को 4 टाइम लिख दोगे, बट ये नहीं है, 12 बेंच है एंड उसके 4 लेग है, हमें फाइंड क्या करना है लेग फाइंड करना है, इसलिए 4 + 4 + 4 12 टाइम आपको लिखना है, और 12 × 4 = 48, आंसर क्या आएगा 48, फिर भी लिख देना है लास्ट में a = 48 legs of the desk, 48 legs of the 12 desk। ओके इस तरह से पूरा भी लिखना है। ओके तो ये जो है अगर मैं 2 marks का आपको सम दू, आप सिर्फ इतना कर दोगे ना, इतना बहुत सारे स्टूडेंट को है ना पता नहीं क्या करना होता है, तो इतना लिख के फिर अगर 48 लिख दोगे तो आंसर राइट है, बट मैं मार्क्स नहीं दूंगी, पूरी मेथड करनी है मतलब करनी ही है और करना ही है। आप छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हो बट यही बहुत ही मैटर करता है। ओके यही चीज बहुत मैटर करती है कि इग्नोर मत करो, बहुत अच्छे से अभी स्टडी करने का टाइम है, अभी आपको कोई घर पे ऐसा काम नहीं करना है कि झाड़ू पोछा लगाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, आपको अभी एक ही चीज पे ध्यान देना है, किस पे, स्टडी पे। स्टडी करोगे तभी आप अच्छा अपना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, अगर स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, ऐसा मतलब करने के लिए सिर्फ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट करते हैं, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा।
y की. The next sum जो है हमारा, there are 12 legs है और 1 leg के 4 legs है, तो total कितने legs है वो हमें find करना था. यहाँ पे total biscuit find करनी थी, यहाँ पे total desk के legs find करने थे, तो इस तरह से हमें ये पूरा sum करना है. Next हम करते हैं 3 number. Next है शाहीबा बॉर्ड 3 number. सभी हाँ. Each bunch has 4 flowers. यहाँ पे 3 number का हम कर रहे हैं. ओके, कौन से नंबर का? 3 number का. यहाँ पे अभी क्या है, सभी और होम 3 bunches of flowers. वो 3 bunches of flowers अपने घर के लिए परचेज करती है. ईच बंच हैज 4 flowers. बंच लिखा है यहाँ पे, बॉर्ड ऐसा नहीं लिखा है कि 3 flower लिया है, ऐसा नहीं, 3 bunch लिए. तो एक बंच में कितने फ्लावर है, तो ईच का मतलब एक. ईच बंच हैज 4 flowers. एक बंच में 4 flowers है, तो हाउ मेनी फ्लावर वेयर देयर, तो टोटल फ्लावर कितने हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा 3 times 4. क्या आएगा? 3 times 4. 4 flowers कितनी टाइम है? 3 times. इसलिए यहाँ पे आएगा 3 times 4 is equal to 3 multiplied 4. मतलब 3 times क्या है? 4 है. 4 plus 4 plus 4 is equal to 3 times 4 is equal to 3 4 is 12. टोटल कितने फ्लावर है? 12. हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी फ्लावर्स है, टोटल कितने फ्लावर्स है वो फाइंड करना है. बंच तो हमें पता है कि 3 bunch. एक बंच में कितने फ्लावर है वो भी हमें पता है कि 4 flowers है. तो टोटल कितने फ्लावर है तीनों बंच मिला के वो हमें फाइंड करना था. तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है कि 12 flowers है. 3 times 4 मतलब 3 bunch है 4 4 के. ओके, फाइंड
ड्रॉ करना है वो उतनी डायमाइड, ओके, 4 + 4 + 4। नेक्स्ट 4 नंबर का सम हम करेंगे, रेल कोच हैज ऑन रेल कोच हैज ऑन रेल कोच हैज 8 wheels ऑन रेल कोच हैज 8 wheels How many wheels in all? How many wheels in all? In all 6 coaches. 6. Okay. यहाँ पे भी question बहुत ही अच्छे से समझना है। ऑन रेल कोच हैज 8 wheels, रेल कोच मतलब ट्रेन, ट्रेन का कंपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, सॉरी डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा, उसमें कितने हैं? 8 wheels है। एक कोच में कितने व्हील्स है? एक कोच में कितने? 8 wheels है, तो 6 coach में कितने हैं? यहाँ पे भी आप देखो हर जगह पे क्या, हर समय क्या होता था कि 3 × 4, और यहाँ पे चेंज हो जाता क्योंकि 6 times कोच कितने हैं? 6। यहाँ पे फाइंड हमें क्या करना है? हाउ मेनी व्हील्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, फाइंड हमें व्हील्स करने हैं, और ये हमें नीचे इस तरह से भी आ सकता है ना कि 6 coach, ट्रेन में 6 coach है और उसमें 8 wheel है, 1 wheel, each coach has 8 wheels, तो हाउ मेनी व्हील्स, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि 8 times 6 नहीं करना, 8 times 6 नहीं करना, बट 6 times 8 करना, क्योंकि एक कोच में 8 है, एक कोच में 8 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो वो आपको समझना है। वैसे आप 6 × 8 करो या 8 × 6 करो, आंसर सेम ही आने वाला है, बट कितनी टाइम क्या है वो आपको समझना है, हमें जो फाइंड करना है उसे प्लस 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 करना है, ये एक सिंपल सी चीज याद रखनी कि व्हील फाइंड करना है तो व्हील को प्लस करना है 8 + 8 + 8, जैसे यहाँ पे हमें क्या फ्लावर फाइंड करना था, तो फ्लावर को ही हमें 4 flowers है, तो फ्लावर को ही हमने प्लस प्लस किया, फिर आगे बिस्किट को प्लस प्लस किया था, फिर क्या किया था हमने, लेग, डेस्क के लेग को प्लस 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 किया था, 4 को हमने 12 times प्लस किया ना, तो वो जो फाइंड करना है उसे उतनी टाइम प्लस करना है। यहाँ कोच 6 coach की जगह अगर 5 coach लिखा होगा तो 5 times 8 लिखना है, 7 coaches लिखे होते तो हमें 7 times 8 प्लस करना है, बट ऐसे ही करना है कि 6 को 8 times नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, 6 times 8 = 6 × 8, तो 6 times क्या लिखना है, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 × 8 = 48, कितने हैं 48, आंसर क्या आएगा हमारा, 48 coaches हो गए, है ना, फिर लास्ट में लिख देना है 48 wheels in 6 coach, 48 wheels in 6 coaches, ओके, 6 coaches, यहाँ पे हमें कोचेस कितने हैं वो फाइंड नहीं करना है ना, तो अगर आपको कोच फाइंड करने होते कि ऐसा दे दिया होगा कि 48 व्हील्स है
48 टोटल व्हील्स है और उसमें से एक कोच के 8 व्हील्स है, तो कितने कोच है वो फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, व्हील्स फाइंड करना है, इसलिए हमें व्हील्स को ही प्लस करना है, कोच फाइंड नहीं करना है। कोच नहीं तो हमें यहाँ पे 8 times 6 प्लस नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, आंसर से मैं बढ़ा के आपका ये जो पूरी मेथड है वो गलत हो जाएगी, जिसकी मार्क्स आपको मैं नहीं मैं पहले ही एवरी थिंग मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इसी चीज़ की कंप्लेंट करने आते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, गलत है, रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग ही है। ओके चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स टू, आपको पेज नंबर 126 पे इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, तो वो मैं आपको मैं वो वर्ड बनाए हुए उसकी जगह मैं बॉल बना के आपको बताती जाऊंगी। मैं इस साइड का लॉक कर रही हूँ, आपका हो गया होगा फॉर लाइन। कंटिन्यू करते हैं नीचे से दूसरी एक्सरसाइज। Multiply 2 is equal to 6.
16, फिर है 9 टाइम्स 2 इज 18 और 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ। फिर है 10 टाइम, मैं लास्ट में ही लिख देती हूँ, 10 टाइम्स 2 इज 20 और 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिल रहा है ना, वो मैं बता रही हूँ कि टेबल टूटी है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि टेबल हम कैसे लिखते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 हम ये इस तरह से लिखते हैं, ओके। बट यहाँ पे आपको एक और चीज कि 2 1 2 तो 1 2 2 ही होता है, वो ट्विस्ट होती है, फिर 2 2 4 3 2 6 तो 2 3 6 ही होता है, 2 4 2 8 है, 2 4 8 है तो 4 2 8 ही होता है, 2 5 10 है तो 5 2 10 होता है। तो ये चीजें होती है कि सेम कहाँ पे आते हैं, नंबर सेम कहाँ पे होते हैं, तो 2 5 करो या 5 2 करो सेम रहेगा, 6 2 12 है तो 2 6 12 है, 2 7 14 है तो 7 2 14 ही है, 2 8 16 है तो 8 2 16 आएगा, 2 8 16 ही रहेगा, 2 9 18 तो 2 9 18 है तो 9 2 18 ही रहेगा, 2 10 20 है तो 2 10 20 है तो 10 2 20 रहेगा। तो फिंगर जो है वो 2 × 10 करो या 10 × 2 करो, आंसर सेम रहेगा, बट कितने टाइम क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ओके, कि 2 की टेबल है बट यहाँ पे कितने टाइम 2 है, ओके। तो इस तरह से टेबल आपको इजीली एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये जितना भी मैंने लिखा है वो आपकी नोटबुक में प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।